आज की टॉपिक क्या है? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बहुत ही कम बजट से स्टार्ट करने वाले बिजनेसों में पोल्ट्री फार्मिंग एक नंबर होता है। तो फिर ये पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई ऐसे क्यों बता रहे हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ मेरे भाई, देखिए वो सारे भाई 4 महीने हो गए के बाद, 5 महीने हो गए के बाद स्टार्ट करने के बाद, वो भाई सोच में गिरे रहते हैं कि करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करे या नहीं करेगा। इसीलिए मैं आज यही टॉपिक लेके आया हूँ आपको, पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं गारंटी के साथ दूंगा, ये वीडियो आप देखने के बाद किसी और को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि और ये पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कहकर, और दूसरे वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं पहला काम आपको यही करना है कि आपके इलाके में मुर्गी का रेट क्या है। आपके इलाके में मुर्गी का रेट 500 रुपये है तो आपको क्या करना है, 400 रुपये में मुर्गी बना लेना है। बड़ा हुए तलक एक चूजे को आप बड़ा कर मुर्गी या मुर्गा बना रहे हो तो 400 रुपये में आपको मुर्गी या मुर्गा बना लोगे। उसके बाद 500 रुपये में आपके पास मार्केट है तो 500 रुपये में बेच रहे हो तो एक मुर्गी के पीछे आपको 100 रुपये बचेगा खर्चा पूरा निकाल देकर। 400 रुपये में मुर्गी बना ले रहे हो यानी आपको मेहनत का, फीड का, वाटर का हो जाए, करेंट का हो जाए, फार्म रेंट हो जाए, सब निकाल कर एक मुर्गी के पीछे आपको 400 रुपये खर्चा लग रहा है। सब मिलाकर तो आपको एक मुर्गी के पीछे 400 रुपये आपको लग रहा है तो आपको 500 रुपये में मुर्गी बेच रहे हो तो एक मुर्गी के पीछे 100 रुपये बचेगा आपको। 100 रुपये बच रहा है तो आपको डेली 10 मुर्गियां भी बेचोगे ना आप तो 1000 रुपये इनकम है। 1000 रुपये इनकम डेली का है तो एक महीने का 30,000 रुपये होगा दोस्त। तो टोटल खर्चा निकाल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। आप इसीलिए मुर्गी पालन बेशक कर सकते हो, बट कौन से भाई करना है, कौन से भाई नहीं करना है यहाँ पे बताता हूँ मेरे भाई। अगर से आप 500 रुपये मुर्गी को बनाने में लगा रहे हो, आपके इलाके में 500 रुपये मुर्गी का रेट है तो 500 रुपये में आपको खर्चा ही लगा है मुर्गी पालने में, तो फिर 500 रुपये में आप बेच रहे हो तो वहाँ पर बच रहा क्या है, जीरो बच रहा है। तब आपको मुर्गी पालन से मतलब दूर रहना है कहकर तो नहीं बताऊँगा, और कुछ सोचना है आपको कि मुर्गी को 400 रुपये में कैसे बनाए, फीड कॉस्ट कम कर किस तरह से बना सकते हैं, हम ये सोचना है। नहीं करना है बोलकर तो नहीं बताऊँगा मेरे भाई। मुर्गी पालन कर सकते हैं हर भाई, पर उसका एक प्रोसेस रहता है। आपके इलाके में 500 रुपये में मुर्गी बन बिक रही है यानी आप बेच सकते हो 500 रुपये में, तो आपको क्या करना है, 400 रुपये में ही मुर्गी को तैयार करना है। यहाँ पर ये एक टॉपिक हो गई है, जो भाई 500 रुपये में बेच सकते हैं, 400 रुपये मुर्गी को बना रहे हैं, तो ये भाई कंपलसरी कर सकते हैं मेरे भाई। तो डेली 10 मुर्गियां भी बेच रहे हो आप तो 1000 रुपये डेली का, महीने को 30,000 रुपये हो गए। अगर से 30,000 रुपये महीने को भाई हमको नहीं बस होगा तो आपको क्या करोगे, डेली 20 मुर्गियां बेचने का हिसाब लगा लोगे, टारगेट लगाओगे। 20 मुर्गियां बेच रहे हो तो डबल इनकम आएगा, महीने का 60,000 रुपये इनकम आएगा, पूरा खर्चा निकाल देकर बता रहा हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। फिर भाई डेली 10 मुर्गियां निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मेरे भाई, डेली 10 मुर्गियां निकलने के लिए डेली 10-10 चूजे पालना है मेरे भाई। देखिए डेली मतलब डेली ऐसा नहीं रहता है, तो एक मतलब 100 चूजे, ठीक है, हर 10 दिन में 100 चूजे पाल रहे हो तो आपको 6 महीने में एक मतलब 100 का बैच बेचने को आएगा। ये हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है मेरे भाई। सब डिटेल से बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेली 10 चूजे 10 मुर्गियाँ बेचने के लिए डेली 10 चूजे पालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये क्लियर है। उसके बाद 20 चूजे बेचना है, हमें 20 मुर्गियाँ बेचना है भाई डेली, तो 20 चूजे पालोगे। 50 मुर्गियाँ बेचना है डेली तो 50 चूजे पालोगे डेली, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ है। फिर भाई हम 300 रुपये में मुर्गी बना सकते हैं, तो फिर आप 300 रुपये में मुर्गी बना रहे हो, आपके इलाके में 400 रुपये मुर्गी का प्राइस है, 400 रुपये में आप बेच सक रहे हो मुर्गी को, तो आप 300 रुपये में मुर्गी बनाना है, 400 रुपये में बेच रहे हो, 400 रुपये आपके इलाके में मुर्गी का प्राइस हो तो यहाँ पर ये क्लियर है। फिर आपके पास में 300 रुपये मुर्गी बिक रही है, ठीक है, आपके इलाके में आप बाजार को जाओगे खरीद के लाने के लिए तो 300 रुपये में आपको मुर्गी मिल जा रही है, या आप बेच रहे हो 300 रुपये में खरीद ले रहे हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, 200 रुपये में मुर्गी बनाना है, 200 रुपये में मुर्गी बनाना है, 300 रुपये आपको मुर्गी के पीछे आ रहे हैं। मुर्गी एक मुर्गी बेचे तो 300 रुपये आ रहे हैं, तो उसमें से 200 रुपये खर्चा भी जाए तो 100 रुपये आपको इनकम आएगा मेरे भाई। डेली 10 मुर्गियाँ 100 मतलब 1000 रुपये डेली का, 10 मुर्गियाँ बेच रहे हो डेली, तो यहाँ पर ये हिसाब से कर सकते हो मेरे भाई। तो फिर अभी 300 रुपये भी आपके इलाके में रेट नहीं है मुर्गी का, 200 रुपये आपके इलाके में मुर्गी का, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 100 रुपये में मुर्गी को बनाना है, तो 100 रुपये में बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। तो एक्चुअली
मुर्गी को 100 रुपए में आप बना रहे हो तो बहुत मुश्किल रहता है। फार्म हो जाए, फार्म का रेंट हो जाए, करेंट बिल हो जाए या फीड कॉस्ट हो जाए, आपका खुद का फार्म है, खुद की जमीन है, कुछ भी खर्चा नहीं है आपको, सिर्फ आपको फीड का कॉस्ट एक ही आ रहा है, तो 100 रुपए में मुश्किल रहता है। वैसे भी कर सकते हो, बट बहुत ही प्लानिंग के जरिए में पालना पड़ता है दोस्त। मिनिमम रेट 300 रुपए में आपके पास एक मुर्गी बिक रही है तो आपको 200 रुपए में मुर्गी बन जाएगी, अगर से आप फीड मैनेजमेंट अच्छे से, पूरे मैनेजमेंट अच्छे से, वैक्सीन मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, पूरा सा मैनेजमेंट पूरा ठीक तरह से कर 200 रुपए में आप मुर्गी तैयार कर रहे हो, सब कुछ खर्चा मिलाकर तो 300 रुपए में मुर्गी बन रही है, तो आपको 100 रुपए मुर्गी का ना रहे तो ठीक है, आप कर सकते हो मेरे भाई। फिर 200 रुपए भी मुर्गी है आपके इलाके में तो 150 रुपए में मुर्गी बना रहे हो, तो एक मुर्गी 50 रुपए बन रहा है आपको, तो ठीक है कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए 500 रुपये होगा, 500 रुपये इनकम आएगा, 100 रोज के 10 मुर्गी बेच रहे हैं हम, एक मुर्गी का 50 रुपये आ रहा है तो 500 रुपये एक का हो गया, 20 मुर्गियां बेच रहे हैं तो 1000 रुपये आएगा, 1000 रुपये आएगा तो महीने का 30,000 रुपये इनकम हो गया। तो ये हिसाब से मुर्गी पालन करना है मेरे भाई। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, मुर्गी पालन करे या नहीं करे कहकर किस तरह से पता चल रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाओगे कि आपके पास बाहर निकल कर आप पूछोगे कि भाई कितने में मुर्गी मिल रही है, कितने में मुर्गा मिल रहा है। मुर्गे का एक्चुअली तो कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा तलक बता रहा हूँ, कम से कम 300 से कम में नहीं रहेगी मेरे भाई। एक्चुअली ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी का रेट तो 300 से कम में तो नहीं रहेगा कहीं भी इलाके में, कुछ इलाकों में 1000 तलक भी चले जाएगी एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी। तो किस किस जगह पे 1000 रुपये ओरिजिनल देसी मुर्गी, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी का रेट 1000 रुपये रहे सो भाई, प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि आपका कमेंट बहुत सारे भाइयों को मोटिवेशन हो सकता है। फिर भाई मार्केट किस तरह से बनाए, ओरिजिनल देसी मुर्गी की मार्केट किस तरह से बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है। ये टॉपिक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, कहाँ पर बेचे अच्छा सा रेट आने के लिए, हमें क्या करें, ओरिजिनल देसी मुर्गी की मार्केट किस तरह से बनाए, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बस वो मेरे अगले भी वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर लीजिए दोस्त, ताकि मैं जब भी वीडियो रखूँ आप तक आ सके, ठीक है ना मेरे भाई। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और याद भी रखिए मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे।